हाँ बेटी, मेरा नाम अनिला है और इंडस चैनल के साथ मेरा ताल्लुक है। गो के मैं पठान फैमिली से ताल्लुक रहती हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत सी बातें सुनने को मिल रही है। हिनको जुबान की बात हो रही है, एक बहुत बड़ा स्टेप है जो गंदारा वालों ने उठाया है। अभी तक हम सिर्फ उर्दू कालम का नाम दिलपिशोरी के नाम से सुन रहे थे और पढ़ रहे थे। जो एक तनकीद के हवाले से मैं ये कहूँगी कि बहुत दफ़ा डिस्कस हुआ कि अगर इसका नाम दिल पिशावरी होता तो शायद ये और भी मशहूर होता। तो हमने हिनको ज़ुबान को सिर्फ पिशावर तक महदूद कर दिया था। मेरे दिमाग में ये था कि हिनको ज़ुबान सिर्फ पिशावर की ज़ुबान होगी। यहाँ पर इटली के लोग, शिकागो, इतने इलाकों से लोग आए हुए। बहुत खुशी हुई है कि एक ज़ुबान इस हद तक आगे पहुँची हुई है कि जो पिशावरी ज़ुबान हम समझ रहे थे वो इंटरनेशनली ज़ुबान बन गई है। यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं वो तनकीद कर रहे हैं या एक उनको मुस्बित कदम उठा रहे हैं, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि पिशावर को ये एजाज़ मिल रहा है, दिल पिशोरी साहब को एजाज़ मिल रहा है कि वो बाकायदा डिफेंड कर रहे हैं और जिस खुले तरीके से कर रहे हैं। एक पठान होने की हैसियत से मैं ये बात बार बार कर रही हूँ, अगर मुझे हिनको आती तो मुझे यकीनन मैं अब एक कमी महसूस कर रही हूँ कि मुझे हिनको क्यों नहीं आ रही। बस बहुत अच्छी बात है कि एक स्टेप आप लोगों ने उठाया। बहुत अच्छा मेरी बेटी, बात यह है कि यही शऊर हम पैदा करेंगे कि जो हिनको नहीं बोलने वाले हैं वो भी हिनको बोलना चाहेंगे, वो भी ज़रूर हिनको बोलना चाहेंगे। और बात एक और है, आज सुबह बातचीत हो रही थी कि जी ज़बानें आपस में मिलती हैं, मोहब्बत करती हैं, ये करती हैं, उसके बाद एक मुकर्रर ने कोई बात कही, फिर उसके बाद हमारे कमर अब्बास साहब ने बात कही है कि जनाब हम तो सारी ज़बानें बोलते हैं, हम तो पश्तो भी बोलते हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, इनको तो खैर है ही अपनी जुबान, और भी जो जिड़ी जुबान सानू आंधी ए उर्दू बस चालू हो इस जुबान ते चढ़ जानी है, तो असी हर जुबान बोलने। इस वजह के नाल दूसरे लोग साड़ी जुबान सीखना, असी तो सीखने साढ़े से तो कोई असी बाईलिंगुअल हाँ, पिशावर के जड़े लोग हैं वो बाईलिंगुअल हैं। और दूसरी जी थोड़ी गल है बेटी वो ये वे कि इनको जड़ी है ता ये पिशावर दी खाली जुबान नहीं गी, जब पिशावर दी होंदी ता वद तक गल खत्म हुई। पिशावर च उसते अलमी होया है कि वो अपना ग्राउंड लूज कर गई है, असि उस ग्राउंड नू दोबारा पे तले बुनियादा तले इटा रखने के एक ग्राउंड जड़ा दोबारा मजबूत हो जाए, वरना हजारे दे कार तुसी चले जाओ दाखिल हो जाओ उत्थे वद तुहानू सारी इनको ही इनको मिल सी। क्वाड सिटी दे कार भी बड़ी हद तक किसी तरह है, इस तरह तुसी इधर अकोले 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 चले डी खान तो पूरा सराइकी बेल्ट उधर आ जाता वे, तो वो तो सिलसिला चलता रहा सी। लेकिन ये वे कि असी कोशिश कर रहे हैं कि जड़ी साड़ी अकेडमी है या इनको डिपार्टमेंट है इस कार असी सारे लहजे दे किताबा भी शामिल कर सी, उन्होंने लोगों को भी अपने नाल मिला सी कि आओ भाई अगर के नाम है हजारे की जबान का हो तो असी उसको भी लियाने, सानू कुरान का तर्जुमा कराया। बहुत सारे लोग सानू इस तरह कह दें यार ये हजारे की जबान दे कार तर्जुमा हो गया या हो रहा है, सानू क्या यार बस ठीक है पिशोरी दे कार भी हो जी सी इनको पिशोरी असी इनको नू कहने होने, पिशोरी भी हो जी सी इनको भी हो जी सी क्वाटी भी हो जी सी, लहजे का फर्क है सारे एक दिन मिल के एक कॉमन डिक्शनरी बन जैसी एक डिक्शनरी बनी है, कह दें जी हजारे की डिक्शनरी है, सानी के मी हजारे की जुबान साड़ी जुबान ना इनको जुबान है तो इस कर कोई जी इनायतुल्ला फैजी साहब इससे पहले के कोई गुप्त हेलो फैजी साहब बुजुर्गाना इस्तेकाक मेरा तलक जो है पेशावर यूनिवर्सिटी के जियोलॉजी डिपार्टमेंट ना आले ते मैं हरिपुर तो आया। मैं आखना मेरे को सवाल तो कोई भी नहीं क्योंकि इनको दी पहली कॉन्फ्रेंस है, लेकिन एक तजवीज़ तो एक दरखास्त थी। तजवीज़ ये वे कि मीडिया जड़ा वो किसी भी जबान के फरोग बेच सब तो अहम किरदार अदा करता है, और दूजिया सारिया जबाना जड़िया असा को ने पश्तो है पंजाबी है या उर्दू अंग्रेजी ने इन्होंने अखबारात जड़े ने वो शाया होंगे। सब तो पहले तो मेरी तजवीज़ ये गंदारा इनको बोर्ड हाँ कि इनको जबान दे बेच भी किसी अखबार का इजरा किया जाए। जरूर जरूर बिल्कुल। और दूजी दरखास्त ये वे कि ये तो तुसा ने गंदारा इनको बोर्ड बढ़ाया पिशावर दे बेच, दरखास्त मेरी ये वे कि इसका दायराकार जोड़ा साढ़े इलाके हजारा दे बेच भी बिल्कुल बधाया जुले जिथे असा अपने इलाके में कोई प्लेटफॉर्म असर आ सके जिथे असी अपनी तहरीर या अपनी कोशिशा जड़िया ने वो इसते फरोग बेच
دے سکا ٹھیک ہے برخوردار ساڑھے کول اتھے ہزارہ دیش کرو تقریباً بہت سارے ساڑھے سکولرز آئے ہیں انہوں نے سانے سی ایسے اپنے نال ایسوسیٹ کیتا ہے وہ ساڑھے نال کم پہ کر دیں تقریباً بھی انہوں نے اتھے کیتی ہیں اور جسو کو ساڑھا بورڈ بانجے سی تو اوزج کر شامل ہو کے کم بھی کر سن ساڑھا ہزارہ چپٹر بھی انشاءاللہ کم شروع کر دے سی ہاں جی خیر ہے جی فیضی صاحب نہیں جی مزار صاحب ایک منٹ فیضی صاحب اردو میں ایک تجویز ہے یہ سوال نہیں ہے جی 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 تجویز یہ ہے کہ یہاں پہ اس کانفرنس میں جس طرح کی پارٹیسپیشن ہے جی جی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اس کانفرنس میں این ڈبلیو ایف پی گورنمنٹ کی جو دلچسپی ہے جو ہائی پروفائل کوریج اس کو مل رہی ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کل کے آخری اجلاس کے لیے کچھ جامع قراردادیں جی بالکل وہ قراردادوں کا سیشن ہوگا آپ کی قراردادیں ہوں گی جو ہم اس کو فائنل شیپ دیں گے ایک ہماری کمیٹی بیٹھے گی ان کو ہم پیش کریں گے اور اس میں دوسری تجویز یہ ہے کہ سندھ سے ڈاکٹر فہمیدہ حسین کی یہاں موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیونکہ سندھی زبان میں جو انڈیجنس کام ہوا ہے وہ پاکستانی زبانوں کے لیے مثال ہے بالکل ہے کسی بھی زبان میں اتنا کام نہیں ہوا مقامی لوگوں نے اتنا کام نہیں کیا مقامی لوگوں کی اتنی کیپیسٹی نہیں بنی جتنی سندھی رائٹرز کی بنی ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈاکٹر فہمیدہ حسین کے ساتھ ایک خصوصی نشست کا کوئی انتظام ہو جو ہم جیسے لوگوں کو سندھی زبان کی پیش رفت کے ماضی اور حال سے ہمیں آگاہ کرے اور ان کی یہاں موجودگی کا ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں بالکل درست یہ تو بہت بڑی سکالر ہیں یہ تو ابھی جو انہوں نے باتیں کی ہیں یہ تو کہتے ہیں ٹپ آف دی آئس برگ والی بات ہے ان کو تو بہت کچھ سنا جا سکتا ہے اور 20-25 سال سے تو ہم ان کو مختلف کانفرنسوں میں سنتے رہے ہیں